खाना तो ऐसे मुझे 45% डिस्काउंट के साथ जाफा का मिलता है, क्योंकि ये होलसेल प्राइस है। आपको 60 बैग मिनिमम खरीदना पड़ेगा तभी आपको ये रेट में मिलेगा। फिर जो है डीलर को आप 100 से 150 रुपये से ज़्यादा एक्स्ट्रा ना दें, जो MRP हम बताएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा आप देंगे तो फिर आप महंगा फीड खिला रहे हैं। तो 10,000 रुपये तो आप ऐसे ही लॉस में चले गए, वो आपका डीलर समझ लीजिए खा गया। गैस का और स्टार्टर का भी रेट बताइए, तो आज मैं तीनों का आपको रेट बताता हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पप्पू और आप देख रहे हैं सोनाली मुर्गी पालन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एंड हेल्दी होंगे। आज का टॉपिक है दाना के ऊपर, कि मैं छोटे चूजे को और मेरे जो बड़े मुर्गे हैं उनको कौन कौन सा फीड देता हूँ। आज मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कब प्री स्टार्टर, कब स्टार्टर और कब ग्रोवर देना है। इसके साथ साथ हम इसका MRP भी बताएंगे और मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है ये भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले 10 दिन तक ब्रॉयलर का प्री स्टार्टर देता हूँ, उसके बाद 10 से 25 दिन तक स्टार्टर चलाता हूँ। 25 दिन के बाद, जब तक मेरा मुर्गी सेल आउट नहीं हो जाए, तब तक मैं ग्रोवर दाना चलाता हूँ। फ्रेंड्स, चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, जब मैंने सोनाली मुर्गी का पिछला वीडियो फीड के बारे में डाला था, तो काफ़ी सब्सक्राइबर भाई मेरे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि PS का और स्टार्टर का भी रेट बताइए। तो आज मैं तीनों का आपको रेट बताता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो भी रेट बताऊँगा वो होलसेल रेट होगा। कम से कम आप 60 बैग खरीदेंगे तभी आपके ऊपर वो रेट अप्लाई होगा, क्योंकि अगर आप कम खरीदेंगे तो आपको हो सकता है 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े डीलर को, क्योंकि ये होलसेल प्राइस है। आपको 60 बैग मिनिमम खरीदना पड़ेगा तभी आपको ये रेट में मिलेगा। आज के डेट में हर डीलर 100 से 150 रुपये तो पर बैग के हिसाब से अपना मार्जिन रख ही लेते हैं। आप कोशिश करें कि कम से कम 60 बैग खरीदें। अगर अकेले नहीं खरीद सकते हैं तो दो फार्मर मिल के खरीदें, क्योंकि ऐसा करने से आपका फीड में पैसा थोड़ा कम लगेगा और जो मुर्गी पालन आप करेंगे तो आपको फीड कॉस्ट भी कम पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर भाई मेरे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मुझे 2 बैग चाहिए, 3 बैग चाहिए। तो 2 बैग 3 बैग में आपको ये वाला रेट नहीं मिलेगा, आपको फिर डीलर से ही लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कभी भी जो है डीलर को आप 100 से 150 रुपये से ज़्यादा एक्स्ट्रा ना दें, जो MRP हम बताएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा आप देंगे तो फिर आप महंगा फीड खिला रहे हैं। महंगा फीड खिलाइएगा तो आपका फिर कॉस्टिंग बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। अगर आप 100 रुपये पर बैग से ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आप अगर 100 रुपया डीलर आपसे ले रहा है तो पर केजी आपका 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अगर आप 3 केजी दाना खिलाते हैं तो 6 रुपया ऐसा एक्स्ट्रा लेगा आपका एक मुर्गी तैयार करने में। फिर उसका किराया भी आपको अलग से लगेगा। आप अगर पर केजी के हिसाब से 1 रुपया किराया भी पकड़ते हैं तो फिर आपका ये टोटल 9 रुपया 10 रुपये के आसपास चला गया। तो ऐसा आप कीजिएगा तो आपका कॉस्टिंग 10 रुपये एक्स्ट्रा चला जाएगा। फिर आप सेल करेंगे तो आपको पर मुर्गा 10 रुपये के हिसाब से कम मिला। तो आप अगर 1,000 मुर्गी पालते हैं तो 10,000 रुपये तो आप ऐसे ही लॉस में चले गए, वो आपका डीलर समझ लीजिए खा गया। तो आप कोशिश करें कि फीड एक ही बार में मंगाएं और कम से कम रेट में खरीदने का प्रयास करें। मार्केट में पता करें कौन सा फीड क्या रेट चल रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दाने के रेट के बारे में। दाना तो ऐसे मुझे 45% डिस्काउंट के साथ जाफा का मिलता है, जो कि PS आप कोई भी दाना दे सकते हैं, ब्रॉयलर का कोई भी कंपनी PS दे दीजिए। उसके बाद स्टार्टर क्रम्स में हमें 2100 रुपये का आता है लेयर, जो कि 45% डिस्काउंट रहता है। और 1500 रुपये का मुझे मिलता है ग्रोवर, वो भी 45% का डिस्काउंट रहता है। ये जो भी रेट मैं बताया हूँ वो डिस्काउंट करके बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कौन कौन सा फीड देते हैं अपने चूजे को और क्या रेट में मिल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय जवान, जय किसान।